विधि विषयान पश्चाचन्नान समति विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनर्विलक्षणैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगमनगणः पातु असौ नस्तीयनः। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के आगम प्रकरण का विचार करते हुए अभी हम लोग उपनिषद क्रम से जो आठवां मंत्र है वहाँ पर पहुँच गए, आठवां मंत्र चल रहा है। अब तक पहले यहाँ पर प्रतिज्ञा किया था ओम इति एतदक्षर विदहम सर्व, संसार में जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है नाम की दृष्टि से देखेंगे तो ओंकार रूप ही है, मतलब सब नाम के माध्यम से कहा जा सकता है। और फिर बोला था और जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सारा ब्रह्म है, एकदम सर्वम ब्रह्म ही वेद सर्वम। फिर ब्रह्म कौन है? आयम आत्मा ही ब्रह्म है। तो फिर आत्मा क्या वस्तु है? सो अब यहाँ पे उत्तम अधिकारी के लिए जो है समझ में आ जाता है कि आयम आत्मा ब्रह्म, उत्तम अधिकारी के समझ में आता है। परंतु मध्यम अधिकारी के लिए फिर आगे पढ़ाते हैं कि स्वयं आत्मा चतुष्प, चार पांच तरह व्याख्यान करके वहाँ पे क्या क्या आ गया है कि वो तीन पांच जागृत स्वप्न सुषुप्ति और एक चौथा पांच जो है उसी के अंदर अनुसूत है परंतु उससे विलक्षण है, उसी के अंदर विलक्षण है। इस चीज को यहाँ पे कथन करने के बाद ये चार पांच कथन हो गया, फिर सातवां मंत्र में आकर के जिस वीडियो के ऊपर ये तीनों चीज दिखाई दे रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति वो तीनों वहाँ पे है ऐसे निश्चित करके उसको प्रतिपादन किया। वहाँ तक जो है कार्य का कार्य लिख दिया प्रपंच जो विद्युत निवर्तित न संशय, तो कल्पना मात्र यदि परमार्थ होता निश्चित ही निवर्त माया मात्र विदम द्वैत, जो भी कुछ प्रतीति हो रहा है ये मायिक प्रतीति है, अद्वैत परमार्थ भेद राहित पूर्ण तथ्य पारमार्थिक शक्ति हो सकते हैं। ये मध्यम अधिकारी तक यहाँ होने के बाद फिर जो अधम अधिकारी है जो तुरंत मध्यम उत्तम अधिकारी कौन है? जो वस्तु गुरु जी ने कहा समझता भी है उसको पकड़ करके रखते हैं और उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और मध्यम अधिकारी क्या है? समझ तो जाते हैं परंतु पकड़ के रख के प्रयोग में लाना वो थोड़ा कम होता है, तो अभ्यस्त नहीं होता, वो विचार करते करते उनके पास वो अधिकार आ जाते हैं। और जो मध्यम अधिकारी है वो अभी विचार करने में उतना कुशल नहीं है, वो उपासना के माध्यम से वस्तु को समझेंगे। इसके लिए यहाँ पे जो है आकार उकार मकार को ओंकार की तीन मात्रा को जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो जीव की तीन पाद है आत्मा की उसके साथ तुलना करके उपासना करने के लिए बोल रहे हैं। कल मैं बताया था कि ओंकार की उपासना दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका दृश्यात्मक रूप से हृदय कमल में सुंदर एक कमल के ऊपर तो इसके ऊपर चांद सोने की तरह चमक रहे हैं, ओंकार को चिंतन दृश्य रूप में मतलब रूपात्मक रूप में आप देखिए ओंकार आकारात्मक रूप में, और एक होता है आपका शब्दात्मक ऐसे चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे शब्दात्मक रूप में चिंतन करते समय ही ये जो शब्दात्मक नाद है यही ब्रह्म रूप है मुझसे अभिन्न है, परंतु ओंकार को कभी भी अपने से बाहर रूप में चिंतन मत करना। क्यों? अयम आत्मा ब्रह्म करके बोल कर आया और ओंकार को फैल हुई अभिधान विद्य के अभिन्नता के कारण। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे कि पूरा हो गया था आठवां मंत्र पूरा हो गया था ना, नौवां मंत्र चल रहा था, नौ मंत्र मूल पढ़ लिए थे जागृत स्थान एक साथ, नौ मंत्र एक साथ सम्मिलित करके जागृत स्थान विश्वानरो अपारः प्रथमा मात्रा आपके आदिमत भावा आपनोति हवै सर्वान कामान आदिश्च भवति जयेयं वेद। आत्मा का युग पे पहले बोल कर कहा पादा मात्रा मात्रश्च पाद है ना, ये आत्मा के जो तीन पाद है ओंकार की जो तीन मात्रा है ये मात्रा ही पाद है पाद ही मात्रा है ऐसा कह कर कहा। इसका कौन मात्रा किसके साथ है इसके साथ किसको मिलाएंगे और मिलाने के लिए समता भाषा मतलब सदृश्यता क्या है जिसके कारण इसको हम बोल सकते हैं उसको लेकर के अगला मंत्र कहते हैं। देखो ये जागृत स्थान है प्रथम पाद है
मैंने इसको विश्वानंद शब्द की तरह कहा था। ये जो है आपका आपका ओंकार, ओंकार की जो प्रथम मात्रा अकार है उसके साथ है, प्रथम मात्रा अकार। क्योंकि आप बोल रहे हैं इसके पीछे हेतु क्या है, बोलते आपते ही, जैसे अकार के द्वारा सारा वाणी को वर्ण को व्याप्त किया हुआ है, इसी प्रकार से विराट पुरुष सारा संसार से व्याप्त है। इसीलिए आपकी सामान्यता के कारण, व्याप्तिक सामान्यता के कारण क्या हो गया कि अकार और प्रथम ओंकार की अकार और अजीव की प्रथम पाद जो है स्थूल अभिमानी चेतन, ये दोनों एक है ऐसा समझ लेना चाहिए। अब वहाँ पर और क्या बोले थे कि आदिमन आत्मनोति आदिमत्ता मधुश्रेतु दिया था। इस प्रकार समस्त वर्ण में पहला वर्ण क्या है, ओम पहला आता है। इसी प्रकार जो है व्यवहार में सबसे पहले कौन आता है, जागृत अवस्था, इसलिए तो आदि होने के कारण, इस प्रकार चिंता करने वाले के कारण। अब बताओ हम लोग शास्त्र क्या बोलते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, मतलब हमारी कोई वासना है, वासना के पूर्ति नहीं, हम सब दुखी होते हैं। अच्छा वासना नहीं होता क्या हम कभी सुखी होते, कभी आप सुख अनुभव कर सकते यदि आपके पास वासना नहीं होता। आत्मज्ञान अलग बात है, सामान्य व्यवहार जगत में देखो, यानी कि वासना ही मजे की बात है। हम दुख क्यों होते हैं, शास्त्र बार बार बोलते हैं कि तुम्हारी भोग इच्छा ही तुम्हारा मतलब वासना ही तुम्हारे दुख के कारण है, परंतु भोग इच्छा यदि नहीं रहे किसी वस्तु से तो कभी आप सुखी हो पाएंगे, अपनी अभिष्ट वस्तु को मिलने से हम सुखी होते हैं। जब कोई ऐसा अभिष्ट वस्तु ही नहीं रहेगा तो सुखी कहाँ से होंगे। इसीलिए देखिए एक ही भोग इच्छा आपके लिए सुख के कारण भी है, दुख के कारण भी है। क्या होता है कि हमारी इच्छा यदि ऐसा हो जो बियॉन्ड माई कैपेसिटी तब हमको दुखी करेगा। यदि हमारी इच्छा हमारी कैपेसिटी के अंदर हम रख करके करते हैं तो हम सुखी होते हैं। सुख प्राप्ति का भी कुछ उपाय होता है, कुछ आपको समझना है कि देखो ये जो इच्छा भगवान ने दिया ये कोई गलत बात नहीं है, हमको सुखी होने के लिए इच्छा चाहिए चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा से सुखी होते हैं, हम व्यवहारिक तरीका के बोलो आरमर्थिक मतलब क्षत्रियो सकाम हत्य सब कुछ अलग बात है, व्यवहारिक जगत को लेकर। अब जो व्यक्ति मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी नहीं है, महिला को इतना तीव्र नहीं है, मध्यम कोई भोग इच्छा भी है, इसीलिए उसके लिए बोलते हैं आप नौती सर्वान का तब खुश होगा। हाँ भगवान के नाम लेने से मुझे लाभ हो उसमें और प्रवृत्त होगा, तो इसका अंदर वास्तविक क्या थी इस श्रुति का अभिप्राय है, इस श्रुति का अभिप्राय है। जिस प्रकार मैं बोला देखो एक ही वस्तु हमारे लिए बंधन का भी हेतु होता है, मुक्ति का भी हेतु होता है, ज्ञात हुआ तो मुक्ति की हेतु, अज्ञात हो तो बंधन का हेतु। उसी प्रकार इच्छा ही बंधन का भी हेतु है, इच्छा मुक्ति सुख का भी हेतु होता है, दुख का भी हेतु सुख का भी हेतु होता है। जो हमारी इच्छा यदि हम अपने लिमिटेशन के अंदर रखते हैं देखा है हैप्पी, अब बियॉन्ड लिमिटेशन करते हैं भाई हिंदू की पूर्ति नहीं होता। यही चीज को यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जागृत स्थान वैश्वानर अकार प्रथमा, जागृत स्थान जो है जिसको वैश्वानर शब्द के द्वारा कहा गया, जिसको अकार मतलब ओंकार की पहला मात्रा है। केवल किस समानता को लेकर के बोलते हैं, आपती मतलब व्यापकता को समानता को लेकर के, और प्रथम समानता को फर्स्ट, इन दोनों समानता को लेकर के अकार के साथ जागृत अवस्था को तुलना किया गया है। अब उस व्यक्ति को जो व्यक्ति इस प्रकार अब मध्यम अधम अधिकारी है, जो इस प्रकार अपने में ओंकार की चिंतन करते हुए और मतलब इसका ये गुण वाला है इस गुण के साथ चिंतन करते हैं उसको प्राप्त हो जाता है। वो भी क्या होता है अपने भोग वस्तु को प्राप्त करना, मतलब सुख जीवन जीता है। और क्या होता है वो अपनी ज्ञातियों में वो पहला होता है, मतलब कोई चीज सामान्य भी देखना किसी स्थान में कोई महात्मा जा करके बैठते हैं अथवा कोई व्यक्ति धर्माचरण करते हैं किसी व्यक्ति का कोई समझ उसके पास पहले जाता है, जाता कि नहीं जाता है व्यवहार जगत में भी दिखाई पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे बोलते हैं आदिश्य भवती को फर्स्ट भी हो जाता है, कौन जो इस प्रकार से उपासना करते हैं जानते हैं। अच्छा कल देखिए हमने इसके ऊपर टीका पढ़ा था, पादानां मात्रानां मध्ये विश्वाक विशेष विशेषस्य अकाल विशेषत्व नियमयत, ये चीज ध्यान देना ये नियमन करना है। कल भी मैं बताया था तीन प्रकार के विधि है पूर्व मीमांसा दर्शन में, अपूर्व विधि नियम विधि परिसंखन विधि, अपूर्व विधि नियम विधि परिसंखन विधि। अपूर्व विधि मतलब
जो और किसी स्वर्ग काम ज्योतिषोम जजेत दर्श पूर्णमाशाभ्यम स्वर्ग काम जजेत विधि है आपने, ये और किसी प्रमाण से आपको प्राप्त नहीं होगा, एकमात्र शास्त्र प्रमाण से प्राप्त अपूर्व भी श्री शास्त्र प्रमाण से केवल शास्त्र से प्राप्त हो, एकमात्र एक ही प्रमाण शास्त्र प्रमाण से प्राप्त होता है। नियम विधि क्या होता है, जहाँ आपके पास दो तीन विकल्प हैं उनमें से एक को निर्दिष्ट करते हैं। कल जैसे बोला था धान कूटने के लिए नखुन वितरण भी है, ऐसा कुटली भी है, मशीन वितरण भी है, परंतु शास्त्र बोलता है अवघात देना ब्रीही, तो यहाँ पे ब्रीही को आपको अवघात के द्वारा छिड़का निकालना है। ये नियम विधि जहाँ पे अनेक में से किसी एक को निर्दिष्ट करके कहना है वहाँ पे नियम विधि है। और एक आता है परिसंख्यन विधि, परिसंख्यन विधि मतलब नियम विधि में लोग गड़बड़ कर देते हैं। परिसंख्यन विधि का तात्पर्य निषेध में है, वास्तविक तुम इस काम को ना करो, परंतु यदि नहीं किए हुए रहा नहीं जाता तो इतना मात्र करो, यदि नहीं किए परिसंख्यन विधि और नियम विधि में, नियम विधि में आप इसको ही करना है, और परिसंख्यन विधि में आपको नहीं कर सको तो अच्छा है, और यदि आप नहीं किए हुए रह नहीं जाता, भूखे हैं जंगल में कुछ नहीं है आपके पास तो क्या करें, तब सामने यदि कोई पशु दिखाई दे रहा है अभी समय में पशु को नहीं पंचो पंचो नखा भक्षा ब्रह्मचत्र राघव है ना, पांच नोख वाले जो जीव हैं इस प्रकार पांच जीव को तुम मार सकते हो बाकी को नहीं मार सकते, ऐसा करके नियमन किया गया है वहाँ पे। उसमें फिर शल्य की गोधा शशक पूर्व इस प्रकार ऐसा जीव का नाम दिया कि जो खाने की इच्छा ही नहीं होती, ये मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन में ये पूर्वक्षण सब तीन ही आया होगा, सामान्य जो आपका यह है ना अर्थसंग्रह में आ जाएगा, अर्थसंग्रह में आ जाएगा। तो फिर क्या होता है कि इसमें जो है क्या बोलते हैं नियमयति नियमन करने मतलब आपका तीन विकल्प प्राप्त हो रहा है अकार उकार मकार इधर जागृत स्वप्न कुछ के साथ किसको मिलाएंगे, नियम करके बोल रहे हैं, क्या नियम कर रहे हैं, अनेक में से एक को निर्दिष्ट करके दिखा दे इसको बोलते हैं नियम विधि, अनेक मिस्टेक के निर्दिष्ट करके दिखा इसको होता है नियम विधि। यहाँ पे क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन है और हमारे पास अकार उकार मकार है, तो इनमें से एक नियमन कर दिया, क्या अकार के साथ ही जागृत की तुलना चिन्ह कर है ना, जागृत में बैठ करके ये मेरा स्थिति ओंकार की अकार मात्रा है, ओंकार की अकार मात्रा है, इस भावना को लेकर के विचार करते हैं, इसे होता है नियम विधि। पादान मात्रान मध्य विशक विशेष नवक जो विशेष है अकार विशेष विशेषत्व नहीं, वो अकार के साथ उसका समानता देखना पड़ेगा, विशेषता देखना पड़ेगा, ये नियमन करते हैं विशेष नियम क्रियते है ना, विशेष करके ये नियमन कर दिया जाता है, विशेष नियम को यहाँ पे किया जाता है। अच्छा ठीक है, विश्व अकार यो एकत्व सादृश्य सती आरोपयितुं शक्यम्, विश्व में और अकार में यदि कोई सदृश्यता हो तब जाकर के आप वहाँ पे एक में दूसरे को आरोप कर सकते हैं, बिना सदृश्यता के आरोप नहीं होता। मैंने पहले बोला ये आरोप उपासना है, आरोप उपासना का दो भाग है, एक प्रतीक उपासना और एक संपद उपासना, प्रतीक उपासना संपद उपासना, प्रतीक उपासना में प्रतीक की महत्व अधिक रहती है और संपद उपासना जिसको संपादन किया जाता है उसकी महिमा अधिक होती है, तो प्रतीक है उसको अधिक मूल्य नहीं उदम जाता है। यहाँ पे प्रतीक उपासना है ये विश्व अकारय एकत्व सदृश क्षति को एक समानता हो तब जाकर के आरोप सक्षम आरोप करने में समर्थन, अन्यत्र सदी एवं तस्मिन आरोप दूसरे जगह पे होते हुए भी वहाँ पे आरोप किया जाता है संदर्शनात्मक मतलब सम्मत रूप में देखने के लिए, देखने के लिए तथा च किन तद आरोप प्रयोजक सदृश उस आरोप करने के लिए जो हेतु सदृश्यता रूप हेतु वो क्या है, उस देश मतलब आपने क्या कहा जागृत में अकार को अपने जागृत अभिमानी चेतन समष्टि जागृत अभिमानी चेतन ये अकार क्या है ओंकार के अकार में इस प्रकार के इसमें इसको आरोप करने के लिए क्या सदृश्यता है जो इसको हेतु बनाना चाहते हैं, क्या लिखे कल ये चार नंबर टिप्पणी तक पढ़ लिया था मैंने दसवीं, ठीक है देखिए एक छोटा सा टिप्पणी है चार नंबर में दसवीं रीति मतलब सदृश्य अर्थ उसमें शब्द मतलब क्या समानता है, सदृश्यता मतलब समानता एक रूपता क्या है जिसके कारण आप क्या जागृत के साथ ओंकार को एक रूप बोल करके चिंता करने के लिए बोल रहे हो, इसमें आरोप करके चिंता करने के लिए बोल रहे हो ऐसा पूछने पर तब होता है। ये हमारा 65 पेज पूरा हो जाता है, ठीक है ना, अब 66 में आ जाइए।
केन सामानेन इति अंकुष्ट है, किस समानता के कारण आप जो है क्या करना चाहते हैं जागृत स्थान में ओंकार की आकार मात्रा को चिंतन करने के लिए बोलना है, किस समानता के कारण। ठीक है ना, आपका आपके सामने उपलब्ध क्या है जागृत स्थान, जो वस्तु उपलब्ध है उसको मात्र बनाया। तो हम जागृत अवस्था में चेतन बैठ करके अपनी दृष्टि को छिन्नता को छोड़ करके, क्योंकि आप धर्म का अधिदेव एक ही है, पहले व्यापक जो चेतन तत्व है स्थूल रूप में, वही ओंकार की आकार मात्रा है, वही ओंकार की आकार मात्रा है। किस 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 समानता से आप बोल रहे हो, किस समानता से आप बोल रहे हो, ऐसा प्रश्न होने पर बोलते हैं केन सामान्य न इति आह। आपते आपति प्राप्ति मात्र, आपकी मतलब प्राप्ति, आप लिव धातु है वहाँ पर तीन प्रत्यय का, आपके आपकी व्याप्ति, यहाँ पर भी उपसर्ग लगा दिया, विशेष रूप से सबको घेर लिया, इसलिए आपकी व्याप्ति वहाँ पे क्या बोलते हैं अकारेण सर्वाभाव व्याप्त, जिस प्रकार विराट पुरुष हरा सृष्टि में व्याप्त है इसी प्रकार अकार के द्वारा है संपूर्ण वाणी व्याप्त है, अकारेण सर्वाभाव व्याप्त, अकार के द्वारा समस्त वाणी व्याप्त है। ये कहाँ से बोल रहे हैं भाई, अकार के द्वारा संपूर्ण जगत नामात्मक है और समस्त नाम अक्षर से होता है और समस्त वर्ण से होता है और समस्त वर्ण में आकार पतन है इस हिसाब से, इसलिए यहाँ पर श्रुति वाक्य है कि अकारो वै सर्वाभाव, ये अकार ही समस्त वाणी रूप है, जैसा अकार वैसा ही तथा महाराज जी कौन सा श्रुति नहीं दिया, दो तीन जगह पर मैं दिखा नहीं दिया, तथा वैश्वानरेण जगत, इसी प्रकार विराट पुरुष के द्वारा सारा सृष्टि व्याप्त है, सृष्टि मत में विराट पुरुष है, विराट सूर्य रूप है, इसलिए बोलते हैं इस प्रकार वैश्वानर आत्मा के द्वारा पूरा जगत व्याप्त है। कैसे पता लगा आपको, ये भी श्रुति वाक्य है, तस्य ये आपका वैश्वान रूप प्रश्न आता है कहाँ छंद से पंचम अध्याय है ना, वहाँ पे ये वाक्य है, तस्य ये पंचम अध्याय 18वें खंड का दूसरा मंत्र है, तस्य हवा ए तस्य आत्मन वैश्वानर समुद्धैव सुतेजा चक्षु सूर्य विश्व रूपा है ना, वायु वायु प्राण संदेह बहुल स्थिर रही, ऐसा कर आते हैं वहाँ पे विराट पुरुष के रूप का वर्णन करते हैं, इसलिए बोलते हैं हमें तस् हवा ए तस् आत्मनो वैश्वानरस मुर्धय सुतेजा, ये विराट पुरुष है ना, वो विराट पुरुष का जो आपका सिर है मूर्ध है वो दुलोक है, वो दुलोक है मतलब दुलोक से लेकर ऊपर का सारा लोग उसका सिर है, पृथ्वी उसका पैर है, आकाश उसका अंतरिक्ष उसका मंत्रस्थान है, शुद्ध चंद्र उसका यह है आँख है, दिशा उसका श्रोत्र है और प्राण उसका वायु उसका प्राण है, कि विराट पुरुष को ऐसा वर्णन करते हैं, तो समष्टि को लेकर बोलते हैं तस्वा ए तस्व वैश्वानरस्व मूर्धैव सुतेजा इत्यादि श्रुतेय चंद्र को 5-18-2 है, ये 5-18-2 है इत्यादि श्रुते, और भी हम आपको पहले कह कह के आए थे अभिधान और अभिधेय, यहाँ पे अभिधेय क्या है मतलब आत्मा और अभिधान क्या है ओंकार, आप एक बात को लेकर अकार विराट हो जाएगा, तो यहाँ पे बोलते हैं अभिधान अभिधेयो एकत्वं च अवगच्छामः, हम आपको पहले कथन भी ये कहता क्या कि नाम और नामी वाचक और वाच्य ये दोनों में अभिन्नता है, इसलिए भी यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, ये पहला हेतु हो गया। दूसरा हेतु दे रहा है आदि अस्य विद्यते इति आदिमत, जिसका बिगिनिंग यू कैन अंडरस्टैंड द बिगिनिंग, जिसका आपको बिगिनिंग समझ में आता है हो गया आदिमत, और जिसका बिगिनिंग समझ में नहीं आता हो गया अनादि, ठीक है ना, तो आदि अस्य विद्यते जिसका आदि जो है आपको समझ में आता है इति आदिमत, वो आदि वाला, जथा एव आदिमत अकार अक्षर, जैसे सबसे समस्त वर्ण में पहला अक्षर कौन है अकार, जैसे यथाइव आदिमत अकाराख्यम अक्षर, जैसे अकार नामक जो अक्षर है, अकार नामक जो अक्षर है जिसको अकार नाम से बोला जाता है, वो अक्षर जैसे समस्त अक्षर में वर्णों में, यहाँ पर अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण, वर्ण में प्रथम है अक्षर, तथा उसी प्रकार से वैश्वानर, उसी प्रकार वैश्वानर भी जो है ये जो है मतलब ओंकार की मात्राओं में पहला है, ओंकार की मात्रा पहला है, मतलब कहीं भी आप किसी जगह का प्रवेश करना चाहते हैं पहले आपके सामने स्थूल वस्तु ही आएगी, स्थूल पैदा होता है फिर सूक्ष्म फिर सूक्ष्मतर फिर सूक्ष्मतम, इस प्रकार से यहाँ पे बोलता तथा एव तथैव वैश्वानर, ठीक उसी प्रकार वैश्वानर भी ऐसा ही है मतलब पहला है,
तस्मात वा सामान्य इस समानता के कारण भी तस्मात वा सामान्य अकारत्तम विश्वान, इसलिए विश्वानर में अकारत्त धर्म बैठे हैं। देखिए विश्वानरस्व अकारत्तम, विश्वान में अकारत्त धर्म बैठा है, मतलब आदिवत्त धर्म बैठा है। तब इस प्रकार जानने से उपासना करने से क्या लाभ होगा, ये बोलते हैं तद एकत्व विदह फलम आह। इस प्रकार उपासना, क्योंकि आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अंदर विचार लंबा समय तक विचार में मन को फंसा के रखना एक ही वो नहीं होगा। तो शास्त्रों के अपना कोई बात नहीं, अलग अलग विचार करने का एक ही चीज मन को बना के रखो। तो इस प्रकार करने से क्या होगा, सामान्य फल तो अलग करण चुके भक्ति, परंतु उस लौकिक फल दुष्ट फल भी कुछ होते हैं, दुष्ट फल को लेकर के बोलते हैं। क्योंकि क्या चित्त की प्रसन्नता, कोई चीज करके हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम कुछ करने में उत्साह होते हैं, हमने कुछ किया साधन, कुछ किया आपने साधन करने से आपको कुछ प्राप्ति हुई तो आपको साधन में मन लगेगा। इसलिए श्रुतियाँ से यहाँ पर दिखाते हैं, इसलिए मैं बोला कि देखो इच्छा को लोग खराब बोलते हैं, तो हमेशा इच्छा खराब नहीं होती, वही इच्छा ही आपके सुख का हेतु होता है। और यदि अंदर से सुख अथवा आनंद नहीं है, कोई बोलना कब प्राण यदि आकाश आनंद ना सक, यदि साकाशात्मक आनंद नहीं होता वही सुख बाहर में आ रहा है कोई बात नहीं, परंतु सुख प्राप्ति के लिए ही लोग जीते हैं, सुख प्राप्ति की ही इच्छा करते हैं, परंतु इच्छा को हम अपना लिमिटेशन से बाहर ले जाते हैं तो हम दुखी होते हैं। यदि इच्छा को हम अपनी लिमिटेशन के अंदर रखते हैं तो हम सुखी रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। व्यवहारिक जगत की सत्य तो यहाँ भी दिखा रहे हैं, ठीक है आप अपनी योग्यता के अनुसार हमने शुद्ध आत्मा का अभी तक पकड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं उपासना करो, उपासना करने से आपको प्राप्ति समझ में आ जाएगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं फलम आपनोति हवै सर्वान कामान, है ना, समझ इच्छा को उसका पूर्ति होता है। आपनोति हवै सर्वान कामान, भगवत के नाम करने से, भगवान की उपासना करने से आपकी जिस इच्छा के, जिस वस्तु की प्राप्ति की हमारे अंदर योग्यता है उसकी प्राप्ति हो ही जाता है। जिस व्यक्ति वस्तु की प्राप्ति की मतलब जिसके लिए हम योग्य हैं उतना भगवान हमको देते हैं, और योग्य नहीं है अधिक फैलाते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं। इसलिए बोलते हैं अपनों की हमें सर्वान कामान आदि प्रथमश्च भवति, अब ये बिकम द फर्स्ट महतान, अनेक महान पुरुषों के संसर्ग में वो पहला होता है उपासना करने वाले व्यक्ति, जो एवं वेद जो इस प्रकार से उपासना करते हैं, यथोक्तम एकत्वम वेद, इस आकार और विराट पुरुष के एकत्व को जो समझते हैं जानते हैं उसको ये फल प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए वेद शब्द का अर्थ कर दिया उपास्ते, दोनों को टिप्पणी मिला उपास्ते। मैं दो तीन बता रहा था ये आस धातु है, उपसर्ग लगते हैं, उस आस धातु में उपास्ते उपासाते उपासते, देखने से उपासते लगेगा कि जैसे कि ये सिंगुलर है, दो नहीं है सिंगुलर रूप ही है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो जह सिंगुलर है, ज उपास्ते जो इस प्रकार उपासना करते हैं। और यदि जो का प्लुरल क्या है, ज यो ये तब होता, यदि दो करता तो उपासाते, और तीन होता तो उपासते, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इस प्रकार उपासना करते हैं इसको बोलते हैं कि वेद नचकतम एकत्तम वेद, जो इस प्रकार इसको एकत्व को जानते हैं उसको ये फल प्राप्त होता है, ठीक है। आप इसके ऊपर टीका देखिए, टीका करके आप अच्छा मैंने एक नंबर के ऊपर कहा छोड़ दिया, आप मंत्र में आ जाते हैं, अच्छा एक नंबर मंत्र में आएगा, ठीक है। अब टीका में आ जाइए, सामान्य उपन्यास पराम श्रुति अवधारयती, है ना, सामान्य उपन्यास पराम श्रुति मतलब समानता को बोधन के रूप में जिस वाक्य है उस वाक्य को श्रुति वाक्य के यहाँ पर अवतरण करते हैं। सामान्य उपन्यास पराम समानता की बोधक जो वाक्य श्रुति वाक्य है उसके यहाँ पे भगवान भाष्यकार अवतरण देते हैं। आह श्रुति बोलते हैं, ठीक है ना, सामान्य उपन्यास पराम श्रुति मतलब सामान्य को बोध कराने वाला दिखाने वाले जो श्रुति है उसको भगवान भाष्यकार उपन्यास का मतलब बोध, यहाँ पे पराग मतलब बोधक उपन्यास मतलब उसको रखना, उसको सामने ला के दिखाना, उपन्यास बोलते हैं ना उपन्यास करना मतलब सामने ला के रखना, वो क्रम भी उपन्यास। अच्छा आह आह हो गया आपका सेकंड टाइम, फिर आगे आपते आपते मतलब हो गया आपती मतलब व्याप्ति, तो विराट पुरुष सारा संसार को व्याप्त करता है, जैसे अकारेण सर्वाभाव व्याप्ता, जिस प्रकार आकार के द्वारा सारा भाव वाणी व्याप्त है। तो टीका में देखिए
व्याप्ति एव अकारस्य श्रुति उपन्यासेन व्यनक्ति। विराट पुरुष व्याप्त है शास्त्र से, विराट पुरुष मतलब संपूर्ण पुरुष स्थूल अभिमानी चेतन है ना, समष्टि स्थूल अभिमानी चेतन को विराट बोलते हैं, उसी को व्यष्टि में विश्व बोलते हैं। था मेरे पास ठीक है, विश्व समष्टि समष्टि स्थूल अभिमानी चेतन को विराट बोलते हैं और व्यष्टि स्थूल अभिमानी चेतन को विश्व बोलते हैं। ठीक है, ये पहला आया था। और सूक्ष्म में क्या जाएगा, तेजस और हिरण्य, और ज्ञान अवस्था में क्या बनाएगा, प्राज्ञ और ईश्वर। हाँ, इसको ध्यान रखना, जो शब्द भी सही आए। यहाँ पे बोलते हैं व्याप्ति एव अकारस्य, अकार का ही जो सारा जगह पे व्याप्त है। अकार का व्याप्ति किस दृष्टि से, अकार का समस्त वर्ण में प्रथम है। सारा जगत नामात्मक भी है रूपात्मक भी है, किसी भी नाम को उच्चारण करने के लिए आपको वर्ण चाहिए, समस्त वर्ण में अकार पहला है, इसलिए यहाँ पे अकार को अकार सर्वापार अकार ही वाणी का रूप है। व्यक्ति एव अकारस्य श्रुति उपन्यासेन, श्रुति के माध्यम बनाकर के, श्रुति को सामने ला करके व्यनक्ति व्याख्या करते हैं। कोई क्या बोलता है, अकारेण सर्वाभाव व्याप्ता, आगे बोलते अकारो वही सर्वाभाव इति श्रुति है, सारा वाणी अकार ही है ऐसा श्रुति होने के बाद। इसके पहले भी आपको पहले बोल करके जहाँ से शुरू किया था, कहाँ से जागृत स्थान सप्तांगे कनो विक्षति मुख, इस प्रकार जो आया था सुलभुक नर प्रथम पाद, वही से बोल करके आए थे कि अध्यात्म अधिदैविक में एकत्र है, जो यहाँ पे व्यष्टि में दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्योंकि कभी भी कार्य अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते। हमारे यहाँ पे जैसे हमें व्यवहारिक जगत में क्या दिखता है, एक एक छोटा छोटा ईंटा जोड़ करके बड़ा चीज बनता है, मतलब व्यष्टि से समष्टि तैयार होता है, परंतु वेदांत में ऐसा नहीं है। वेदांत में हमेशा एक पूर्ण समष्टि पूर्ण है, माया से परिच्छिन्न रूप में प्रतीति होती है, माया से परिच्छिन्न रूप में प्रतीति होती है। यह हमारी वेदांतिक सिद्धांत मुख है। अब जो है ये व्यष्टि शरीर समष्टि का कार्य है, यानी कि ये व्यष्टि कभी भी समष्टि को छोड़ करके नहीं है। जैसे ये कपड़ा कभी भी रूई से अलग नहीं है, है ना। अब क्या है, अब रूई की व्याप्ति कहाँ तक है देखिए, यानी कि कपड़ा छोटा रूप में दिखाई पड़ने पर भी इसकी व्याप्ति बहुत है। ठीक इसी प्रकार से हमारी भी अपने को, मैं एक समष्टि का एक छोटा अंश मात्र हूँ, परंतु हम एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं भी उस समष्टि रूप हूँ। इसलिए हमें पहले बोल करके अध्यात्म अधिदैविक एकत्वम पूर्व मुक्तम, आध्यात्मिक अधिदैविक जगत में एकत्व है, इस प्रकार जो पहले कहा गया उसको उपेत मतलब उसको मान्यता दे करके विश्वस्व वैश्वानरस्य जगत व्याप्ति श्रुति अवस्थम भेद स्पष्ट हो। विश्व और वश्य व्यष्टि और समष्टि चेतन है, जो व्यष्टि है वही समष्टि चेतन है, वो पूरा जगत व्याप्त एक ही कहना चाहते हैं। आधिभौतिक तो आधिदैविक के ऊपर ही टिका हुआ है, आधिभौतिक आधिदैविक के ऊपर टिका हुआ है। ये आपका इंद्रिय गोलक है, ये आधिभौतिक है, इस इंद्रिय गोलक के अंदर बैठा हुआ इंद्रियों की देवता, नहीं तो आधिदेवी आधिभौतिक कुछ नहीं काम करता, आपका ऐसे ही रह जाएगा गोलक यदि वहाँ पे इंद्रिय और इंद्रियों की देवता ना हो। इसलिए आधिभौतिक हमेशा आधिदेवी के सहारे ही अभिव्यक्त होता है, नहीं तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन आधिदेविक और आधिभौतिक एक दूसरे से भिन्न है। वो नहीं देखो कहाँ पे भिन्न है, एक तन्मात्र से बना हुआ है और एक जो है आपका पंचीकृत पंचम है, तो वही उपादान, क्या भिन्नता है यहाँ पे। ये जो भिन्नता देख रहे हैं मुश्किल हो रहा, देखो इसे आपके सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, तन्मात्रा से बनते हैं, शब्द तन्मात्रा के सात्विक अंश से श्रवण इंद्रिय, शब्द तन्मात्रा के राजसिक अंश से वाणी इंद्रिय, ठीक है। और फिर इसी प्रकार से क्रम से वायु से आपका त्वचा, तन्मात्रा से ज्ञानेन्द्रिय बना और सात्विक अंश से राजसिक अंश से आपका कर्मेंद्रिय बना, तमोगुण को लेकर के वहाँ पे सब ये किया आपका पंचीकरण किया, पंचीकरण करके स्थूल शरीर को बनाया, तो भेद कहाँ है यहाँ पे। ये जो हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान भगवान बोलते हैं ना, तो ये जो है इसमें देखिए अलग अलग करें शब्द नहीं, आपको अलग अलग करके जब देखिए ना, भग ब ब ब
आ को दीर्घ करिए, भ से अत्यंत भरण पोषण करने वाला धरित्री पृथ्वी, ग से गगन, ब से वायु, आ अग्नि, और न से नील। भगवान भगवत शब्द को आप देखेंगे इसको शब्द कैसे बनाया हुआ है, ऐश्वर्य वाला है, पति पंचतम पंचभूत का ही समस्ती मूल्य के, और इसी पंचभूत से सृष्टि, मतलब भगवान का ही सारा रूप है। कैसे भगवान का सारा रूप है कि भगवान ही पंचभूतात्मक है, भगवान ही पंचतन मात्र में है, सारा भगवान का ही रूप है। वो छह को भगवत बोलते हैं, ये तो हमारा ऐश्वर्य अलग है, अब भगवान शब्द को अलग अलग दो होगा। मतलब भरण करने वाला पृथ्वी, सबका भरण पोषण करता है, मतलब गगन आकाश, मतलब वायु, आपको दीर्घ है वहाँ पे, एक आज अग्नि, और फिर मतलब नौ से नील, नील मतलब जल, मतलब भरण करने वाला, भरण पोषण करने वाला पृथ्वी। तो इस प्रकार भगवान शब्दों के अंदर भी पांच तत्व छुपा हुआ है, ये पांच तत्व के सूक्ष्म रूप भी है, पांच तत्व के सूक्ष्म रूप भी है, पांच तत्व के सूक्ष्म रूप का हम आदि दैविक बोलते हैं, और पांच तत्व के सूक्ष्म रूप का क्या बोलते हैं, आदि भौतिक बोलते हैं। ये जो विराट है, ये समष्टि स्थूल शरीर है, तो उसका ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक आदि दैविक एकत्व है ना, तो आध्यात्मिक स्थूल शरीर सारा विश्व का नर रूप में दिखाई पड़ रहा है, एक आत्मा सारे आत्माओं को जोड़ के जो एक हो जाएगा वो वैश्व, ये आत्मा को अलग स्थूल शरीर को लेकर के बोलिए, फिर आत्मा कहाँ से रहा है यहाँ पे, स्थूल अभिमानी चेतन, चेतन को तो बोल रहा है, चेतन में तो कोई विभाजन नहीं है, परंतु तो चेतन ही एक व्यष्टि रूप में दिखाई पड़ता है, चेतन एक समष्टि रूप में दिखाई पड़ता है, समष्टि रूप, समष्टि स्थूल, व्यष्टि स्थूल, समष्टि स्थूल को हम क्या बोलते हैं विराट, और व्यष्टि स्थूल का हम क्या बोलते हैं विश्व, ये विश्व कभी भी विराट को छोड़ करके नहीं है, विश्व कभी भी विराट को छोड़, मैं पहले ही बोला कार्य कभी भी कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता, ये सिद्धांत तो जब हमारा है, अब तक क्या है दृष्टांत तो भी दिया था, जरा एक चीज जरा इस चीज को सोचो, इसको मन में बैठो तब समझ में आ जाएगा, एक कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर कोई चित्र का चित्र बनाया, उसको लेकर के कुछ भी बनाया, उसी कपड़े के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दुकान मुकान, आदमी आदमी भी कपड़ा पहना हुआ है, उस कपड़े के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर अलग आदमी, अलग अलग आदमियों का अलग अलग कपड़ा दिखाई दे रहा है आपको, वो कपड़ा मूल कपड़े से अलग है कि नहीं है, नहीं है, पर तो अलग रूप में प्रतीत हो रहा है, बस यही है, वो व्यष्टि है, हाँ पूरा कपड़ा समष्टि है, और वो व्यष्टि वो समष्टि कपड़े को छोड़ करके नहीं रह सकता, हिरण्यगर्भ को सूक्ष्म शरीर आएगा, इसका आगे आएगा सूक्ष्म, पहले स्थूल को समझिए, और भी अध्यात्म आदिदैविक एकत्व पूर्व उक्तम उपेत, जो पहले बोल करके उसको मान्यता दे करके विश्वस्व विश्व जगत व्याप्त विश्व अवश्वर जो सारा जगत को व्याप्त किया हुआ है, श्रुति अवश्य स्पष्ट होती, श्रुति के आधार पर इसको स्पष्ट करके बोलते हैं, क्या है जो जितस्व वो लोग सब ऐसे लोग एक 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 अवयव को विश्वनाथ मान को उपासना करते थे, राजा क्या बोलते हैं अश्वपति कह के, अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरे पास आ गए, नहीं तो क्या था यदि आप इसे गलत उपासना करते आपका उस अंग खराब हो जाता, इसमें भी है हमारे मृदंडक में भी है, दोनों में है, ठीक है, ऋषि लोग राजा का पास किए, ब्राह्मण लोग राजा के पास गया, शायद अश्वपति को कोई उपासक थे, वो वैश्यनर को उपासक थे, और ये ब्राह्मण लोग वैश्यनर की एक एक कोई मूर्था को वैश्यनर समझ को उपासना करता था, कोई सूत्र को वैश्यनर समझ को उपासना करता था, विभिन्न को वैश्यनर समझ, ठीक है एक एक कला को लेकर के करते, बात को लेकर के करते, ये नहीं है संपूर्ण वैश्यनर के साथ अगर नहीं आते तो क्या नुकसान, तुम्हारा शरीर के उस अंग खराब हो जाता, उससे खराब हो जाता, ये बोला। अच्छा।
तो तथा वैश्य नरेंद्र जो वैश्य नाम के द्वारा जगत व्याप्त है तत्स्वित स्वात्मन ये हो गया। किंच सामान्य द्वारा वाच्य वाचक एकत्व आरोप्य न भवति तयोर एकत्वस्य प्रागेव उक्तत्वात् इति आह अभिधान अभिधेययोर एकत्वम् अवच अवोचाम। और भी देखो सामान्य को माध्यम बना करके हमने वाच्य वाचकयोर एकत्वम् आरोप्य कुछ कुछ समानता को लेकर के वाच्य मतलब जो कहने योग्य है वाचक मतलब उसके जो शब्द है इसको एक एकत्व को मान्यता देकर तो न भवति तयोर एकत्व इतना मात्र कहने से वो एक नहीं हो जाता प्राग भक्त तो ये बात नहीं है। हमने पहले भी आपको दिखा करके आया जहाँ पे शुरू किया था जागृत स्तंभ वहीं से शुरू करके अध्यात्म करादि देवी में एकत्व शुरू कर दिया था। इसलिए बोलते हैं अभिधान अभिधेय और एकत्व अवचम कुछ सामान्यता को लेकर के ये इसका बराबर है ये बोलना आपका मान ठीक नहीं है। बोलते हैं इसका मुख्य कारण हमने पहले बोल करके आया इसे बोलते हैं कि किंच सामान्य द्वारा वाच्य वाचक एकत्व आरोप न भवति तयोर एकत्व आरोप करने से उसका एकत्व नहीं हो जाता। बोलते हैं इसका उत्तर हम पहले दे करके प्राग भोक्तत्वादि अभिधान अभिधेय और एकत्व च अवोचम ही हमने पहले कथन करके आया। ये कथन करने के बाद क्या कथन किया कि वो आपका फर्स्ट वर्ड है पहले हो गया व्याप्ति दोनों व्यापकता बराबर होने के कारण नेक्स्ट बोलता है सामान्य अंतरम एक दूसरा समानता भी है दूसरा समानता भी है वो क्या है बोलता है आदि अस्य विद्यते इति आदिमत जिसका बिगिनिंग देखा जाता है वो हो गया आदिमत जिसका बिगिनिंग देखा जाता है वो क्या आदिमत यथैव आदिमत अकाराख्यम अक्षम जैसे समस्त वर्ण में अकार सबसे पहला वर्ण है इसी प्रकार से तथैव वैश्वानर वैश्वानर भी ये अकार उकार मतलब आपका तीन पाद में विश्वनाथ भी सबसे पहला है तीन पाद में विश्वनाथ भी सबसे पहला है उसे क्या है बोलते हैं तदेव स्फूट यदि तथेव। अब यहाँ पर टीका का समय उकार मकार इति उभय अपेक्षा प्रथम पाठात ठीक है ना उकार और मकार की अपेक्षा से सबसे पहले किसको पढ़ते हैं अकार को पढ़ते हैं उसी प्रकार से सूक्ष्म और अज्ञान को देखने से पहले किसको दिखाई देता है पहले स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। उकार मकारयश्च इति उभयम् अपेक्षा प्रथम पाठा इन दोनों की अपेक्षा से सबसे पहले पढ़ा जाता है इस कारण से आदिमत्तम अकारस्य द्रष्टव्यम् अकार में आदि वाला है ऐसा समझना चाहिए आदिमत्तम अकारस्य द्रष्टव्यम् आदिमत मतलब आदि वाला और उसमें उसमें मतलब धर्म भी बैठा हुआ है ये समझना चाहिए। विश्वस्य पुनः आदिवक्तम तेजस प्राज्ञों प्राज्ञों अपेक्षया अद्य स्थाने वर्तमानत्वाद इति अर्थ अकार आदि वाला है ये हमको समझ में आ गया कि उकार मकार से पहले उच्च तो विश्व आदि कैसे होगा बोलते हैं विश्वस्य पुनः और फिर विश्व का जो आदिमत्व वहाँ का जो पहला तर्म बैठा हुआ है ना तेजस प्राज्ञों अपेक्षा तेजस और प्राज्ञों इन दोनों की अपेक्षा से इंद्र की अपेक्षा से अद्य स्थान है वर्तमान सबसे ऊपर वही दिखाई देता है सबसे पहले ऊपर वही दिखाई देता है इस कारण से उसका आदिमत्व है ऐसा माना गया है। उक्तस्य सामान्यांतरस्य फलम दर्शयति इस प्रकार जो समानता है भिन्न भिन्न जो समानता है उसका फल को अभी दिखाते हैं उसका फल को उक्तस्य सामान्यांतरस्य दो सामान्यता दिखाया एक हो गया व्याप्ति एक हो गया आदिमत्व इसका फल को कथन करते हैं तस्मात व सामान्य अकारत्व वैश्वर के दोनों आदि होने के कारण यहाँ पे वैश्वर अकार के समान बना हुआ है। परंतु प्रश्न होता है किमर्थम इत्थम सामान्य द्वारा तैयार एकत्व उच्चते किसके लिए किस अभिप्राय से इस थोड़ा समानता को लेकर के दोनों में एकता को दिखाया जा रहा है किमर्थम इत्थम इस प्रकार सामान्य द्वारा सामान्य को माध्यम बना करके तयोर मतलब क्या हो जाएगा विश्व और अकार एकत्व विश्व और अकार में एकत्व कैसे कह सकते हैं यह तक प्रश्न अच्छा है प्रश्न चिन्ह लगाना तो अच्छा रहेगा तद क्यों उसके लिए बोलते हैं तद विज्ञान फलवत्ता इस प्रकार उपासना फलशाली होता है तद विज्ञान यहाँ पे क्या अर्थ नहीं है विज्ञान मतलब उपासना इस प्रकार उपासना के माध्यम से विशेष जो गुण होता है वो बहुत फलशाली होता है फलवत्तत्वात् इति आह तब बोलते हैं तद एकत्व विधा फल इस प्रकार कि मतलब विराट पुरुष और आकार ये दोनों अभिन्न है
मतलब विराट पुरुष हो गया आत्मा तुम्हारी, प्रथम भाव अकार हो ओंकार की पहला मात्रा, ये दोनों अभिन्न है, इस प्रकार के नाम और नामी अभिन्न है, इस प्रकार से चिंतन करने का फल क्या है, वो तदेकत्व फल अहम आपनोति हवै सर्वान कामान, है ना, जो अभिष्ट वस्तु है उसको प्राप्त करते हैं, है ना। अब आदि प्रथमश्च भवति महता, मतलब महान व्यक्तियों के बीच में वो पहला भी हो जाता है, कौन जैव वेद जो इस प्रकार उपासना करते हैं, यथक एकत्व वेद इति अर्थ, इस एकता का जो जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे टीका का लिख रहा है, सादृश्य विकल्पात एव फल विकल्प, दो विकल्प दो दिखाए ना, सादृश्यता दो जगह पे दिखाया, एक व्याप्ति लेकर के दिखाया और क्या दिखाया, आदित्य को लेकर के दिखाया, ठीक है ना, इसीलिए फल भी दो प्रकार दिखाया, फल में भी ऐसा दिखाया, है ना। फल क्या होता है कि आप व्याप्ति के अधिक प्राधान्यता देंगे, आप अपने समस्त भोग वस्तु को प्राप्त करें। यहाँ पे भी क्या है, देखिए भोग वस्तु कैसे प्राप्त कर, मैं बताया था इसको, अब मतलब अपनी व्यापकता को आप समझ रहे हैं, अब सारा विराट पुरुष मतलब क्या स्थान, स्थूल वस्तु, एक स्थूल वस्तु ही दूसरा स्थूल वस्तु के लिए भोग को भुगतते हैं, दो सादृश्य एक व्याप्ति है दूसरा आदिमत, दूसरे पहले पहला फर्स्ट, इसमें दो फल मिलेगा, क्या हो जाएगा आपको वासना पूर्ति हो जाएगी, वासना पूर्ति मतलब ये नहीं अनेक भोग को वस्तु आ जाएगा, जैसे ही आप अपने को व्यापक रूप में देखने लग जाएंगे आपके पास अप्राप्त वस्तु ही कुछ नहीं रहेगा, जिसकी इच्छा होती है अप्राप्त वस्तु जो हमारे लिए हितकारक हो उसी की इच्छा हम करते हैं, जैसे जैसे हम अपनी व्यापकता को अपने को देखने लग जाएंगे तब क्या हो जाएगा, हमारे लिए अप्राप्त वस्तु कुछ नहीं रहेगा, परंतु उसकी इच्छा भी नहीं है, इसलिए आपने उनकी सर्वान कहा। आज यदि मान लीजिए होता भी है फिर भी उसका जो है वो उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ये फल मैं बोला था कि फल इच्छा धीरे धीरे आपको बढ़ते रहेगा, क्यों, क्योंकि आपकी व्याप्ति बढ़ती जाती है, आप अपनी मतलब शास्त्र दृष्टि से जितने का जितने के लिए हम जितना हमने किया उतना मुझे फल मिलेगा, साधुपुर कामना करके फल इच्छा लेकर के फल आप अनुष्ठान करें तो फल प्राप्त हो ही जाता है, और वही हमारे सुख का ही होता है। उपासना के माध्यम से जो समझ गया पहला वेद मन उपासना, जो उपासना करते हैं मतलब यथकतम एकत्व, इस एकत्व दृष्टि से जो उपासना करते हैं, अभिन्नता की दृष्टि से जो उपासना करते हैं, क्या होगा वेद मतलब के? जैसे जैसे क्योंकि यथाकृत हुए यहाँ भी लगते हैं, आप एकत्व की चिंतन करेंगे क्या हो जाएगा, वो एकत्व अगले मंत्र में आपके पास आ जाएगा, आप उसके साथ अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, अथक्त वेद हो, अब क्या बोला यथक्तम एकत्व वेद हो, जो इस प्रकार इस एकत्व को जानता है समझता है, समय आने पर प्रयोग करते हैं, समय आने पर प्रयोग कर सकते हैं, मैं बोला था उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी अधम अधिकारी, हमारे अंदर अधमत्व क्यों है, क्योंकि हमारा समझना भी कम है, हम उसको बाहर में एप्लीकेबल नहीं हो, परंतु शास्त्र भी दिखाएगा यदि आप ऐसे उपासना करते हैं आपको समझ भी आएगा और आप समय आने पर उसको प्रयोग भी करते हैं। यदि आप उसको लेकर के देखिए ये अप्रासंगिक बात है, क्योंकि आप यहाँ पे मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होती है, और उस मुक्ति में हमारे प्रतिबंध हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपनी व्यापकता पूर्णता को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों जागृत स्वप्न सुषुप्ति को निषेध करके अब आपने स्वभिज्ञान यहाँ पे क्या बोला था, क्या विधान किया, स आत्मा स्वभिज्ञ, कौन सा आत्मा, शांतम शिवम अद्वैतम, ये आत्मा यही है, एक प्रसंग है यहाँ पे, उसी को जानने के लिए आप उपासना करते हैं, यदि इस समय आपको अन्न की सिद्धि आता भी है तो तुरंत उसको हटा देना चाहिए, वो मन में स्थान देना ही नहीं चाहिए, आएगा, क्योंकि आप उपासना का फल ही ऐसा है कि आपको हिरण्यगर्भ उपासना का फल क्या होता है, अष्टादी सिद्धि प्राप्त होता है, संभूति असंभूति विनाशन मृत्यु संभूत अमृत अस्मृति, यहाँ पे संभूति उपासना के फल रूप में ये कहा था कि अष्ट सिद्धि को प्राप्त करते हैं वो हिरण्यगर्भ उपासना से, परंतु यदि वहाँ पे रुक जाओगे तो फिर सब अश्विदम से मुक्ति को नहीं हो पाएगा। उस पहले आज शुरू में यहाँ से किया था, देखो हमारे सुख की हेतु भी हमारी इच्छा ही होती है,
और किस वस्तु की इच्छा है? स्थूल वस्तु की इच्छा जो सामान्य सुख को चाहते हैं। सामान्य भौतिक सुख को चाहने वाले व्यक्ति स्थूल वस्तु की इच्छा करते हैं। मेरा अभिप्राय यही था कहने का कि स्थूल वस्तु की इच्छा करोगे, भगवान के नाम करो, प्राप्त हो ही जाता है, परंतु उससे आगे बढ़ना है व्यक्ति। क्योंकि शास्त्र भी ये दिखाया कि भोग वस्तु से अगर सुख होता तो कभी मुक्ति की तरफ इच्छा ही नहीं होती, तो अपने आप ही परीक्षा लोकान कर्म चेतन ब्राह्मण है ना, ये दिखाया था। इस प्रकार आप पूरा तीन को पढ़ लीजिए, देखिए श्रुति किस क्रम से आपको उठा रहे हैं। श्रुति इस प्रकार तीन मात्रा के चिंतन के फलस्वरूप कैसे धीरे धीरे आप आत्मज्ञान को आगे बढ़ेंगे, अपने आप इसको पता लग जाएगा। तो सदृश्य विकल्पात एव फल विकल्प, सदृश्यता के विकल्प विकल्प के कारण यहाँ पे फल में भी विकल्प होगा। मतलब दो लिया ना यहाँ पे, व्याप्ति और आदिमत, इसलिए फल भी दो होगा आपको, समस्त भोग वस्तु की प्राप्ति स्वभाव में पंडित स्वभाव में आपको प्राथमिकता भी है। अब दूसरे को लेकर के बोलते हैं, द्वितीय पादस द्वितीय मात्रायश्च एकत्र व्यपदिशति। द्वितीय पाद है ना आत्मा का जो द्वितीय पाद है, मतलब स्वप्न स्थान। अब व्यष्टि में उसको तैयस बोलते हैं, समष्टि में उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। उसका द्वितीय मात्रा या द्वितीय मात्रा के साथ, द्वितीय मात्रा के साथ जो पद है द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा में जो एकत्र है, अब उसका उपदेश करते हैं। अब मंत्र में आ जाइए, स्वप्न स्थान तैजस, उकारो द्वितीया मात्रा, उकारो द्वितीया मात्रा, उत्कर्षात् उभयत्वाद् वा, उत्कर्षात् उभयत्वाद् वा, उत्कर्षति हवै ज्ञान संततिम्, समानश्च भवति, समानश्च भवति, नास्य ब्रह्मविद्कुले भवति, नास्य ब्रह्मविद्कुले भवति, यैवं वेद, यैवं वेद, स्वप्नस्थान तैजस, उकारो द्वितीया मात्रा, उत्कर्षात् उभयत्वाद् वा, उत्कर्षति हवै ज्ञान संतति, समानश्च भवति, नास्य ब्रह्मविद्कुले भवति, च एवं वेद। अब बोल रहे हमारा स्वप्न स्थान है, स्वप्न स्थान का नाम है मतलब सूक्ष्म अभिमानी चित्त, जिस समय आपका मन की प्राधान्यता होती है, मन ही अपना पूरा राज्य को सृष्टि को बना लेते हैं, वो तेजस रूप है, इसलिए उसका नाम है तेजस, प्रकाश होने के कारण। स्वप्न स्थान तैजस, और आत्मा की द्वितीय मात्रा उकार है, उकारो द्वितीय मात्रा, ठीक है ना। अब बोलते हैं उत्कर्ष, अकार से उकार उत्कर्ष है, ओंकार के उच्चारण में अकार के उच्चारण अनुदात्त होते हैं और उकार के उच्चारण उदात्त होते हैं। ओ देखो उकार के मात्रा ऊंचा होता जा रहा है, अकार अनुदत्त, उकार उदात्त, उत्कर्ष होता है उसका, उदत्त उत्कर्ष होता है। अच्छा, उस दूसरी बात क्या है कि सामने और पीछे यदि कोई रहे तो बीच वाला व्यक्ति उत्कृष्ट दिखाई दे, इसलिए देखना कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का स्टेज बनाया जाता है वो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके नहीं बनाते हैं, फर्स्ट को बीच में ऊंचा करके रखते हैं, उसको उत्कृष्टता को दिखाने के लिए उकार, ये उकार की उत्कृष्टता है बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले क्या बोला था कि अभी देखो कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी में भिन्नता क्या है। उत्तम अधिकारी क्या होता है कि वो समझता है, पकड़ के रखता है, समय आने पर प्रयोग भी कर सकते हैं। मध्यम अधिकारी क्या है, पकड़ के रखता है परंतु समय आने पर ठीक से उपयोग नहीं कर सकते, धीरे धीरे विचार करने से आता है। तृतीय जो समझ भी नहीं पाता, समय आने पर उपयोग भी नहीं कर पाता, अब क्या होगा, उत्कर्षति हमें ज्ञान संतति, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जिस चीज को आपने समझा उसकी कंटिन्यूटी आपके माइंड में रहेगा उपासना के फलस्वरूप। ये चीज मतलब आपने कोई चीज के ऊपर मन को लगाया, समझा और आप क्या उपासना कर रहे हैं, उपासना मतलब आपको उस विषय में चिंतन मन में चल रहा है, परंतु क्या जैसे ही आपको कहीं उपयोगिता के समय आएगा आप उसको उपयोगिता का उपयोग कर सकते हैं। ये उत्कर्ष क्या, मैं क्यों पहले से अधिकारी की भिन्नता दिखाने के पीछे हमने इसको क्यों दिखाया, क्योंकि हम छात्रों से मध्यम ना ये अधम अधिकारी के लिए बोल रहे हैं। मध्यम अधिकारी तो पहले विचार करके आ जाएगा, स्वयं आत्मा चतुष्पद मध्यम, अयमात्मा ब्रह्म उत्तम अधिकारी, स्वयं आत्मा चतुष्पद मध्यम अधिकारी। अब उपासना प्रसंग में, अब उपासना प्रसंग में वो जो जी जो कमी था उत्तम अधम अधिकारी में, वो कमी की पूर्ति कराना है,
उपासना के द्वारा उस कमी को पूर्ति करना है, पहले समझना है। इसलिए विचार करते करते मतलब आपका जैसे जैसे मन निश्चय करता रहेगा आप वहाँ पर स्थिर हो जाएंगे। आप क्या उसको प्रयोग कर सकते कि नहीं कर सकते उसके लिए ज्ञान शक्ति, उसके लिए ज्ञान शक्ति क्या होगा कि आपका वो भावना मन में रहने के कारण जिस समय आवश्यकता है उस मतलब कोई भी संकट काल में आप विचलित नहीं होंगे। आप जानेंगे कि मैं सर्वथा असंग पूर्ण व्यापकता हूँ, उपासना के फलस्वरूप मैं ओंकार हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ऐसे इसका फलस्वरूप वहाँ पर स्थिर रह पाएंगे। ये बोलते हैं उत्कर्ष। ये क्या है उत्कर्ष? ज्ञान संतति क्या है? क्या इसको समझने की कोशिश करें, ज्ञान संतति की उत्कर्षता मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ योर फ्लो ऑफ थॉट नॉलेज वो आप हर जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे देखो बोलते हैं कि ज्ञान संतति वहाँ पे क्या बोलते हैं? उपासना या फिर ज्ञान मतलब आत्मज्ञान नहीं है, उपासना। उपासना के फलस्वरूप क्या होगा? क्योंकि आप इस प्रकार देखिए सुबह उठ करके यदि आप कुछ देर कर बिस्तर पर बैठ करके आप अपने इष्ट चिंतन का मौन कर लेते हैं, दिन भर इधर उपनिषद पाठ करते हैं, इसका एक भाव उत्तम अधिकारी के मन में तो निश्चय ही रहता है। निश्चित ही दिन भर में हमने क्या पिया, इसीलिए तो बचपन से हमने सीखा था सुबह उठ करके पाठ को अभ्यास करो। क्यों? माइंड फ्रेश रहता है उस समय, जो भी पढ़ते हैं वो याद हो जाते हैं। बचपन से हम लोगों की शिक्षा पद्धति ऐसी है। अब फिर क्या होता है, वो इसी प्रकार जैसे ही आप उपासना करेंगे सुबह उठ करके मन में उसका चिंतन करेंगे, दिन भर उसका एक रेजोनेंस चलता रहता है, उत्कर्ष। आप इस रेजोनेंस के मात्रा भी उत्कर्ष होता जाएगा। उत्कर्ष उत्कर्ष कृष्णत्व का अभिप्राय क्या है? आकर्षण करना, आकर्षण करके ऊपर उठाता है, हाँ खींच करके आपको ऊपर उठा लेगा। उत्कर्ष ज्ञान संत है, ज्ञान शब्द भी बोला ना आपको जी, ज्ञान मतलब मुझे उपासना जिसको आप चिंतन कर रहे हैं, जो आपका बुद्धि में बैठा हो वो फ्लो आपका रहेगा, संदेह में उसका फ्लो। आप क्या हो जाए, पहले हमने समझा बंद प्रयोग नहीं कर पा रहा था, और आप क्या हो जाएगा, आप समय अंतर प्रयोग कर पाएंगे, समय आने पर आप प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि आपको संतति याद रहेगा, यू नॉट फॉरगेट दैट। ये ज्ञान संतति बना रहेगा, ये उपासना के फल है। शास्त्र ने क्या मंडो को कार्य का क्या नहीं दिया आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। इसलिए आप बोलते हैं उत्कर्ष ध्यान रखना, और कर्ष उत्कर्ष मतलब खींच करके आपको ऊपर उठाएगा। उत्कर्ष ज्ञान संतति, उत्कर्ष आपका ज्ञान की फ्लो अथवा आपका थॉट फ्लो हमेशा हायर लेवल में रहेगा। और केवल इतना नहीं, आपको जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट थिंग। जीवन में उसको जानते हैं हम दुख, फिर भी दुख आने पर विपत्ति आने पर हम दुखी हो जाते हैं, होता है ना, ये नहीं ये दिल्ली नहीं हो। आप आराम से उसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मन में विक्षेप हुआ भी, फिर आराम से उसको संभाल लेंगे। उत्कर्ष थे ज्ञान संतति। और क्या होगा? समानस्य भवति, क्योंकि उकार क्या है, अकार और मकार के बीच में ना दोनों के प्रति समान रूप में, इसलिए बोलते हैं उस व्यक्ति के अंदर एक समानता की भाव आ जाता है। उपासक किस प्रकार उपासना करने वाला के व्यक्ति मतलब उभय मतलब चाहे देखिए एक जगह पे अच्छा व्यवहार करने वाला जागृत अवस्था में अच्छा व्यवहार करने वाला, एक जगह पे अज्ञान में कुछ नहीं समझने वाला, ठीक है ना। तो ज्ञानी अज्ञानी मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला खराब व्यवहार करने वाला दोनों के लिए समान हो गया है, ठीक है। समान आप लगाइए अपने जीवन में अपने विचार में, देखिए आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाहता है यहाँ पे, कि समानस्य भवति है ना, वो समान हो जाता है। पहले उत्कर्ष थे ज्ञान संतति, दूसरे के तो सबके लिए समान भाव आ जाता है। सम शत्रु च मित्र भगवत गीता बोलते हैं भक्ति से उपासना भक्ति है, उसका फल क्या है आपको समझ को बुद्धि सबके लिए समान, शत्रु मित्र में समान बुद्धि रहेगा, छोटे नीचे को सबके मतलब समान बुद्धि व्यवहारिक मन तो रखते। थर्ड क्या बोला, किस प्रकार उपासना करने वाले व्यक्ति के कि न अस अप्रमाणित कुले भगवत, इसके कुल में इसकी परंपरा में अथवा इसके सान्निध्य में आने वाले व्यक्ति को भी वो इसके अब्रह्म भी मतलब ब्रह्म संबंध कुछ नहीं जानता, बिल्कुल अज्ञानी नहीं रहता। क्योंकि देखिए हमारे पास जो किसका हाँ बोल उसी को मैं बोल रहा हूँ, उसी को मैं बोल रहा हूँ। हम जिस चीज को खाते हैं डकार में वही आते हैं ना, प्याज लहसुन खाएंगे डकार क्या आएगा, आम की डकार आएगा कि नहीं? प्याज लहसुन खाने से आप दिन भर इसका चिंतन करेंगे, आपके पास कोई भी आएगा तो बोलेंगे तो इसी को ही बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति आते हैं हम लोग क्या करते हैं,
जो शास्त्र से पढ़ा जाने उसे बोलते हैं, उससे लेकर थोड़ा बहुत कुछ अपना अनुभव ऐसा तो मिला के बोल देते हैं। फर्क क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर भी इसका कुछ इन्फ्लुएंस आ गया। वो इसीलिए आते हैं लोग उत्तरकाशी आते हैं, क्योंकि महात्माओं को जानते हैं। उत्तरकाशी महात्माओं का नगरी, लोग महात्मा से मिलने आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि मतलब अपने मानसिक शांति के लिए आते हैं। मानसिक शांति हम जानते हैं कि मानसिक शांति भौतिक वस्तु में नहीं है, मानसिक शांति भगवत चिंतन में है। तब उसको बोलते हैं ये उसमें क्या होता है, और अभ्रमित पूरे भक्त इसके संस्पर्श में आने वाले लोग के अंदर कुछ ना कुछ भगवत चिंता की धारणा आ जाता है, कुछ आ जाएगा। ये जो समय हो गया ठीक है, कल करें, कल देखेंगे इसको। एक नंबर हाँ छोटा सा कल करा दो, कल करेंगे उसको, कोई नहीं कल नहीं कर, क्योंकि एक मजे इस उपासना में भी कितना अच्छा चीज है। ये यदि हम समझ जाएंगे तो हमें उपासना करने में कोई ये नहीं होगा, आप पीछे ये बात नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ना आज होगा हमारा पहला योनि योगं प्राप्तैश्वर्य योगा भवति च गति मन्दाः प्राप्तैकं अनेकं विविध विषय धर्मग्राहि मुखेक्षणानां प्रणतव्यभिहरि ब्रह्मजगदन्नतोऽस्मि।